अन्ना जी ने कहा इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें, ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। हाँ, ये वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना। अच्छा, काफी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा, तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं उसमें नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ। बाकी और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वोट बैंक तो वही है असल में देश भर में। बिल्कुल, और ये बोलना भूल गया मैं, हाँ, वो ये बोलूंगा उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं। ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेकर, हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को निकाल देंगे। वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी होगा, उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं, वो चलेगा। अरे भाई, हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सरिया साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले वाला। बड़ी बात, उस दिन किसी बच्चे का गोल्ड नहीं आया। हरियाणा के इतने बच्चे लड़े थे और भी स्टेट के बच्चे थे, किसी का गोल्ड नहीं आया। सिर्फ दिव्या काकरान का गोल्ड मेडल आया था, दिल्ली की दिव्या काकरान का गोल्ड मेडल आया था, उसके बाद भी दिल्ली से कोई नहीं आया। सिर्फ फिर मनोज तिवारी जी आए थे, उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे और वो 3 लाख रुपए उस टाइम पे, उस 3 लाख रुपए ने मेरी इतनी मदद करी है। 2015 में मेरी माँ ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था मेरे लिए, सबसे पहले उन 3 लाख रुपए का मैंने वो छुड़वाया था, पर तब भी मेरी कोई सहायता नहीं। 2017 में फिर मैं ये सीनियर एशियन चैंपियनशिप लड़ी, उसके बाद तब मैंने देखा कि आज मेरा सीनियर एशियन चैंपियनशिप में मेडल आया है। इतनी छोटी उम्र में मैं पहली ऐसी महिला बनी हूँ जो एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लाई हूँ। ओलंपिक में वो लड़की गई थी 2016 रियो में, उस लड़की ने गोल्ड मेडल लाया था और उससे मैंने टक्कर की कुश्ती चलाई थी, जापान की वो लड़की थी। जब भी मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला तो एक इंसान की क्षमता होती है सहने की। हम सब घर में बैठ के सब रोए कि पापा ये सब क्या हो रहा है, आप बोलते थे कि इतना प्रोत्साहन मिलता है, ये मिलता है, क्या मिल रहा है। आज हम ऐसे ही लोअर में कपड़ों में बैठे हैं, हमारे पास ढंग के कपड़े नहीं है पहनने को, खाने को ढंग से आज भी खाना नहीं है हमारे पास, ये सब क्या हो रहा है। तो तब मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, हम यूपी से लड़ेंगे। तो तब हम यूपी में गए और यूपी ने मुझे, 2018 से मैंने यूपी में लड़ना स्टार्ट किया था, 2017 के लास्ट में लड़ना स्टार्ट किया था, 2018-19 में मुझे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड दिया। 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने मुझे रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड दिया और 2020 में मेरी स्थिति देख के उन्होंने आजीवन मेरी पेंशन बांधी है 20,000 रुपये। और कल ही उन्होंने मुझे घोषणा करी है, जो बच्चे कॉमनवेल्थ में से ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं, गोल्ड लाए, सिल्वर लाए हैं, मुझे 50 लाख रुपए और रजिस्टर ऑफिसर की नौकरी का वादा किया है। तो आप ये बताइए, जो मैं सिर्फ 2-3 साल से यूपी से लड़ रही हूँ, वो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने मेरी हेल्प क्यों नहीं करी है। हम गधे, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अब क्या कह रहे हैं, अब लुकआउट नोटिस जारी करके कि मैं तो घर पे बैठा हूँ, आप बताओ मैं कहाँ आना है, मैं यही हूँ दिल्ली में, आप बताओ मैं आ जाता हूँ कहाँ आना है। अब क्या कह रहे हैं, अब लुकआउट नोटिस जारी करके कि मैं तो घर पे बैठा हूँ, आप बताओ मैं कहाँ आना है, मैं यही हूँ दिल्ली में, आप बताओ मैं आ जाता हूँ कहाँ आना है। Wait a minute. बेस्ट शिक्षा मंत्री। ये मनीष सिसोदिया हमारा शिक्षा मंत्री पागल है एक नंबर का। ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है।
बीतता आपका। दूसरा सवाल यह है कि क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी? तो कैसी फिल्म? आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो, बट एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यार, मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, पेशावर से। मैं भी पठान हूँ, लगता नहीं हूँ, तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान हूँ, थोड़ी हाइट वाइट कम है मेरी। बट एंड दिस इज नॉट टू क्रिएट एनी कॉन्ट्रोवर्सी, जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड जीत गई। फिर भी कहना चाहता हूँ कि आमिर खान जी को कि आप हलाला पर पिक्चर बनाइए, आमिर भाई, आमिर भाईजान, आप हलाला पर पिक्चर बनाओ, सुपर डुपर हिट ना हो तो मेरा नाम बदलना, मैं प्रमोट करने वाला। और पिछली बार तो हम आपके घर आए थे तो आपने पुलिस बुलवा लिया था, इस बार हमें आप खुद बुलाए कि स्वामी जी हलाला पर क्या स्क्रिप्ट है। मेरे पास 2500 लड़के तो अभी है जो आपको हलाला पे, ये लाल सिंह चड्डा वगैरह तो एक आदि हुआ होगा, मैं आपको हलाला पर बहुत सारी लड़के बताऊंगा जो रियल किस्से हैं। तो आप कहेंगे कि स्वामी आमिर खान जी और पूछेंगे कि और कोई विषय, तो फिर ट्रिपल तलाक, मेरे पास बहुत सारी, लगभग 1.5 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं, शाहबानों से लेकर अभी तक। तो आमिर भाई रियल फैक्ट वाली स्टोरी, और खूब इसमें ऐसा लिखना कि यह किस्सा काल्पनिक नहीं है, बड़े बड़े शब्दों में लिखना, यह सत्य घटनाओं पर आधारित है, आधारित है, इसका जीवित और मृत व्यक्तियों से लेना देना है। ये लिखना आमिर भाई, हम सिल ठप्पर लगवा के देंगे, फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। तो आपको आमिर भाई हम टिप्स दे रहे, भले आप फिल्म लाइन में हमसे ज्यादा समय से हो, लेकिन हम आपको टिप्स देते कि इस पे फिल्म बनाओ। तो आप बोलेंगे और काई पे, तो मैं कहता हूँ लड़कियों के खतना पर, FGM पर फिल्म बनाओ, बहुत सारी लड़कियां तड़प रही है। तो आप बोलेंगे कहाँ है वो लड़कियां, तो अपने मुंबई में बहुत सारी आमिर भाई, आपके घर से 1.5-2 किलोमीटर पर निकलोगे ना तो लाखों लड़कियां मिल जाएगी जिनका खतना होता है, ठीक है। तो आमिर भाई इस पर पिक्चर बनाए। और आमिर भाई और भी कोई अगर मन के अंदर रह गई हो जानकारी लेने की जिज्ञासा, तो आपके घर और हमारा आश्रम में ज्यादा दूरी नहीं, प्लीज कम हियर, नहीं तो हम आपके पास आते, हमको बुलाइए, हम आपको बहुत सारे किस्से बताएंगे जिस पर आप फिल्म बनाओगे, और हजारों करोड़ का बहुत बड़ा आपका बहुत बहुत कमाई होगा, और वो सारा कमाई फिर हम घर वापसी में लगा देंगे, आप चिंता मत करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, राज्य शुभम। भाई जी ब्रेकिंग न्यूज, हमारे पास सुविधा नहीं है, वरना फ्लैश करके भी ब्रेकिंग न्यूज चलाते, एक हिंदू संत ने किया आमिर खान का प्रमोशन और सुबह तक तो भर चुकी होती पूरी मार्केट इसी खबर से। स्वामी जी कमाल है, अद्भुत है। नहीं और भी है शुभम भाई, आमिर भाई अगर जानना चाहेंगे, जैसे उन्होंने लाल सिंह चड्डा में दिखाया है, हमारे पास स्क्रिप्ट आया है, तो मैं आमिर भाई को अरब ले। जरा अपने अंदर की शिद्दत को जगाइए भाई। मुझे एक बात समझ में आई है, जितना मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है, कि डरा हुआ आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, जहां इस्लाम है वहां डर नहीं। जैसे जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी होती है, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं होता। एक हदीस मुझे हमारे दोस्त महमूद मदनी साहब ने लिखवाई थी, जो मेरे कंप्यूटर पे है, उनसुर खाका जालिमन ओ मजलूमा, मदद कर अपने भाई की, मदद कर, मजलूम हो तो मदद कर, जालिम हो तो मदद कर। ये हदीस जॉर्ज बुश को सुनानी चाहिए, नरेंद्र मोदी को सुनानी चाहिए, कि जिस मजहब की हदीस ये कहती है कि भाई मजलूम की मदद तो कर, जालिम की मदद कर, उसको रोक, उससे पूछ क्यों जुल्म करता है, क्या तकलीफ है तेरे को, भाई बोला है जालिम को। अब ऐसे मजहब में टॉलरेंस नहीं है तो और क्या है, मगर समस्या कुछ और है। आप अंधों के मुल्क में, अंधों की दुनिया में आईना बेचने निकले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द व्हाइट हाउस में रहता है, अफगानिस्तान की पहाड़ियों में नहीं रहता है, और ये पूरे दुनिया की हुकूमतें, ये 6 बिलियन लोग, उनकी जरूरत नहीं होती है कि जाके उस जॉर्ज बुश को टेररिस्ट करके उसको फांसी पे के तख्ते पे ले जाए। मैं ओसामा बिन लादेन के खून के खेल को नहीं माफ करूंगा, बशर्ते आप जॉर्ज बुश को भी उसी तरह ट्रीट करें। एक तरफा बात नहीं हो सकती है, स्टेट टेररिज्म को आप कंडोन करेंगे और इनको कहेंगे टेररिस्ट, जैसे किसी ने फरमाया था मौलाना गरियाबादी साहब,
कि भैया कि आपने बॉम ब्लास्ट के जो एक्यूज को तो टेलीविजन पे चीख चीख के अनाउंस कर दिया कि हाँ ये साहब इनको ये सजा दी गई है, मगर बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई उसके बाद में हजार लोग तो यहां मरे थे, उनका क्या, कौन देगा उनको सजा, कहां जाके गिड़गिड़ाएं, किससे भीख मांगे। आज तो हम कोई सेकुलरिज्म नहीं, अब हिंदू और मुसलमान की बात करो, मुसलमान मुसलमान है, हिंदू हिंदू है। जिन्होंने आज हमको लूटा, जो हम तो अब तक आज लूटते रहे, जो हम तो अब तक नंगा करते रहे, जिन्होंने हमारे खून को बहाया, वो दोस्ती की बात कर रहे हैं। तुम्हें तो हमको लूटा था, तुम्हें तो हमको लूटा, इन्हीं कबाइलियों ने और इन्हीं दलितों ने, मैं बहुत सफाई के साथ कर रहा हूं। अगर इतिहास की बात करनी थी तो गुजरात में इन दलितों से मुसलमानों को क्यों नहीं बचवाया, पूरे हिंदुस्तान में दलित मुसलमान को मारते रहे, और इसी वजह से हमने बीएसपी के साथ इत्तेहाद किया था कि शायद ये इत्तेहाद कारगर साबित हो, लेकिन नहीं, दलितों ने मुसलमान को मारा और काटा। अभी उदित राज साहब कह रहे थे, मैं बहुत साफ आदमी हूं, कह रहे हैं तुम हमें लीडर बनाओ, हम तुम्हें लीडर बनाएं, बहुत लीडर तुमको बना चुके, अब मुसलमान लीडर रहेगा, ये उलमाए कराम रहनुमाई करेंगे, रहनुमाई अब सिर्फ मुसलमान करेंगे, उलमाए कराम करेंगे, कोई दलित मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करेगा, मुझे दलितों की रहनुमाई मंजूर नहीं है। सब लोगों को अपनी आत्मा से भरे प्रभु जी, अपनी आत्मा से भरे, और रिबिरी रिबी तिबिरी रिबी तबरा लबा 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 हिरिबिरी रिबी शिरिबिरी रिबी सिदा बा लबा 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 लबा। सब लोग प्रार्थना करें, साम्रा 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 प्रभु यीशु की साम्रा, 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 साम्रा 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 प्रभु यीशु के नाम से चंगाई मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सामर्थ सामर्थ हो, प्रभु यीशु के नाम से सामर्थ उतरे, अंधकार के बंधन टूटे, आज प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाए, जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला आज वह पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।